तो इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप देख सकते हैं कि बंदा फैन कंधे पे रख के ले जा रहा है। और भाई साहब आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए तो गाइस ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे सामने जो टावर है, दुनिया के सबसे लंबे टावर माने जाते हैं ये। हाइट इनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट है और ये एक टूरिस्ट पैलेस है। मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ साफ सा दिख नहीं रहा है, बहुत काफ़ी धूल यहाँ पर इस वक्त उड़ी हुई है, धूल की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है साफ। धूल और मौसम ख़राब होना एक आम बात है यहाँ। गाइस यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया है, हर इंसान बहुत तरीके से चलता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया, रोड क्रॉस करने के लिए जब रेड लाइट हो जाती है तब आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं एकदम क्लीन रोड रहते हैं, कोई किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं और किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं। काफ़ी अच्छा ट्रैफिक रूल्स हैं और सभी लोग फॉलो करेंगे, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। और सभी लोग क्राइम करने से डरते हैं क्योंकि फ़ौरन यहाँ पे उसको सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साल तक उसका केस चलेगा, उसके बाद में उसको जेल हो जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुरंत यहाँ पर केस को फाइनल किया जाता है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर जिसको जो सज़ा होनी है वो सज़ा हो जाती है, एक हफ्ते में पूरा केस फाइनली हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम शार्क के एरिया में घूम रहे हैं, इस जगह का नाम शार्क है और बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर आता है। इससे भी अच्छा व्यू आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी हम धीरे धीरे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंच के हम आपको पूरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, कैसे हो? ये आप देख सकते हैं अगर रेड लाइट है तो कोई भी बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा और सभी लोग खड़े रहेंगे। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ से बना हुआ है पैदल यात्रा के लिए। दोस्तों ये वीडियो 4 पार्ट्स में बनाई गई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अगर इसको एक पार्ट में बनाया जाता, तो इसलिए इसको 4 पार्ट्स में करके बनाया गया है। हर एक वीडियो में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, बस आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए स्टाइल के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।